तस्वीरें छाता तहसील के देहात क्षेत्र की हैं, जहां किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल बरसात की वजह से जलमग्न हो गई, जहां किसानों ने कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इसका निरीक्षण करने के लिए आज कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह और तहसीलदार विवेक सिंह यादव, सिंचाई विभाग के एई राकेश एसडीओ और जेई के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह ने कहा कि ये कोई समस्या नई नहीं है, हर वर्ष यहाँ पर ऐसा ही हाल हो जाता है, जिससे किसानों की पूरी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। इसके स्थायी निस्तारण के लिए अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज इस समस्या से सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है और जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। मौके पर मौजूद रहे तहसीलदार विवेक सिंह यादव ने कहा कि सभी किसानों के नुकसान का आकलन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय पर यहां वोट मांगने के लिए तो तमाम नेता आते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में सभी गांव वाले मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य तिहेंद्र पाल सिंह, गिरिराज सिंह, बॉबी बोहरे, जस्सी और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। वो तो किसान को मिलेगा ही, उसके अलावा भी प्रदेश सरकार से जो अन्य सहायताएं फसलें डूब जाने के कारण किसानों को दी जा सकती हैं उन्हें दिलवाया जाएगा। संबंधित जैसे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनको भी साथ हम लाए हैं, एक्सीएन है, एसटीओ हैं, जेई हैं, एई हैं। जहां कहीं नहर की, रजवाई की, ड्रेन की, खुदाई की ज़रूरत महसूस हो रही है पानी को सप्लाई करने के लिए, पानी के ट्रीटमेंट के लिए जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां व्यवस्था कराई जा रही है। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकारें हैं, योगी जी और मोदी जी दोनों किसान पुत्र हैं, दोनों किसानों के सुख दर्द को समझते हैं और किसानों के हर संकट के समय में पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ सरकार खड़ी है। ये समस्या जल भराव की किसी वर्ष हुई है, हर वर्ष होती है? अब ये देवी आपदा है, आप जानते हैं पिछली वर्ष भी हुई थी, पिछली बार माननीय मंत्री जी खुद आए थे सभी समस्त अधिकारियों के साथ, उससे पहली बार भी हुई थी, बीच में एक बार नहीं हुई। अब इसमें कोई ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, जब जैसी प्रकृति की देन हो जाती है उस हिसाब से हम सरकार से सहायता दिलवा देते हैं। कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? जैसे ही सर्वे का काम पूरा करा लिया जाएगा उसके तुरंत बाद बीमा वालों के साथ घूम के यहाँ सर्वे कराया जाएगा, बीमा के साथ साथ सरकार से भी सहायता दिलवाई जाएगी। क्या नाम है आपका? वीरपाल है जी मेरा नाम। वीरपाल जी, आपके यहाँ पर जल भराव जैसी समस्या है? हाँ जी। कितना इनसे नुकसान हुआ है? अजी नुकसान तो करोड़ों में भाव बाबूजी का ठिकानो है। कितनी फसल होगी ऐसी जो ऐसे डूब गई? कम से कम 90% फसल डूब गई बाबूजी का ठिकानो। यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण के लिए आए थे? कोई अधिकारी ना आवे जी, कोई कछु ना करे, सब ऐसे ही आ जाए और चले जाए बाबूजी, कोई कछु ना करे। और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आए तो आते जी, न्यू कह रहे बीमा मिल जाएगो और बीमा फीमा मिल जाएगो, वो है जाएगो, कछु ना मिल लो जी, हमें तो कई साल से देख रहे हैं कछु मिले ही ना, ऐसे ही कह जाएं और चले जाएं, और इतनों हर साल फसल नष्ट है रही है बाबूजी, कोई इतनी परेशानी आ रही है। कितने सालों से हो रही है? 5-7 साल से तो हम देख रहे हैं जी, जिम्मेदारी न्यू समझ लो, किसान तो मरे ही जा रहे हो, कछ ना है। अच्छा, ये जो सरकार है ये किसान हित में भी काम करती है, क्या लगता है आपको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? कछु ना है रो बाबू जी, ऐसे ही कह तो जाए पर करे कोई ना है, कछु 2-4 के बीमा फीमा में और कहू नाम है, फिर ऐसे ही है जाए। आम पब्लिक के नाम सबन के नाम है। इस बार ये समस्या है पिछले कई सालों से बरकरार है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप क्या करोगे? कछ ना करेंगे बाबू जी, हम तो बर्बाद है रे, हम करवे लाख कहाँ है, हम तो बर्बाद है रे, ऐसे ही तुम बारन पे तिलाएंगे और अपनो देवे तो काऊ को है ना, कर्जा टाटन पे है रे, मर चले और कहाँ है। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बुखारी। आप पर कितनी जमीन है? 3 किला जी। क्या उसमें पैदा किया आपने? धान है जी 1.5 किला, तो गिड्डू रे जी दिख रहे 2 कदम है बस धान लगाए। हाँ जी। जल भराव जैसी समस्या है यहाँ पर हो गई है? हाँ। किन कारणों से यहाँ जल भर गया है? ऊपर परमात्मा की लीला भैया सर। अच्छा, इसके लिए आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? करी है सब आए अधिकारी, लेकिन झाड़ अपने कर्मचारी में दे दे के चले जाए थे, नाटक बना के फिर कुछ नहीं होता है। क्या आश्वासन दिया है? आपने मुआवजा दिलाएंगे, फलाना दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे, पर साल 1200 रुपया है, कहा है वो? अच्छा, हर वर्ष होती है समस्या? हाँ, पर साल भाई जी, पर के दाने थे बेटा ना भाई, दाने थे। तो फिर पिछले वर्ष मुआवजा मिला? नहीं 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 आया।
अधिकारियों को अवगत कराया कि पिछले वर्ष भी यही अगर कह दी सर अभी के देख के चले जाए। इस बार भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करोगे? क्या जब कुछ नहीं रहेगा तो आत्महत्या होगी। राम गोपाल कहाँ के रहने वाले हैं आप? बताएं क्या समस्या थी आप? समस्या की है साहब जो जिनके मर रहे दानों दानों ने तो खेत चोरी न मिले और जिनके पेड़ को नुकसान ना दाने को उन्हें दाम मिल जाए। ऐसा क्यों होता है? क्या क्योंकि पटवारी और सरकार की कर्मचारी की कमी है और हमारी कमी थोड़ी। पानी समस्या की ये सब डूबे पड़े फसल और नालों खुदरो ग्रामीणों के चंदे से चंदा करो किसान भाई ने और प्रधान सहयोग करो। अच्छा आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि लेखपाल सेवा शुल्क जो दे देता है पैसे उसका तो मुआवजा आ जाता है। हाँ है। और जो नहीं देता उसका नहीं आता ना? आपने उसकी कोई कंप्लेंट की? हमने ना कही सर। नाम क्या है लेखपाल का? बताएं यहाँ पर जो किसानों की जल भराव जैसी समस्या है प्रत्येक साल यहाँ पर होती है आपके द्वारा क्या व्यवस्था इनके लिए की जाती है? ये नाले जो सरकारी की योजना रहती है तीन साल में एक बार होता है। इस साल ये हमारी कार्य योजना में नहीं था लेकिन ये समस्या हो रही है तो हम उसकी कार्य योजना बना के इसको सफाई करवा देंगे। ये हर वर्ष यहाँ पर ये समस्या होती है सर? ये आपकी कार्य योजना में तीन साल से पहले नहीं था ये? नहीं नहीं पिछले साल कराया था। अच्छा पिछले साल कराया था। कौन सा रजवाई? बरखा ड्रेन। अब क्या समाधान किया जा रहा है जो जल निकासी हो सके? मशीन लगा दी गई है और भी इसकी सफाई के लिए और भी जो लोग मांग करेंगे वो करा दिया जाएगा। सर बताएं आज यहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं थी उनके लिए आपने निरीक्षण किया है इनके लिए क्या व्यवस्था की जाए? आज तहसील छाता के बरका बुखरारी गांव के किसानों द्वारा अवगत कराया गया कि विगत तीन चार दिनों से जो बारिश हो रही है उसके वजह से उनके खेतों में पानी लगा है। तो सुबह से हम लोगों ने बरका और बुखरारी का सर्वे देखा और वहाँ पर जो भी जल भराव की समस्या है जल निगम और सिंचाई से भी बात की गई है। सिंचाई विभाग के SDO साहब द्वारा बरका में जो ड्रोन उनका नहर के साफ़ सफाई है उस पर काम किया जा रहा है। उसी तरह से साफ़ सफाई का काम बुखरारी में किया जाएगा और किसान की जो भी फसल का नुकसान हुआ है बीमा कंपनी के माध्यम से उसका सर्वे करा के उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। सर ग्रामीणों का कहना यह भी है कि हर साल यही स्थिति रहती है अगर इस बार ऐसा ही हुआ तो आने वाले चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे। नहीं हमने सिंचाई विभाग से SDO और JE से भी बात किया है उनके द्वारा जो यहाँ पे नाले और नहर है नहर की सफाई और नालों की सफाई की बात की जा रही है। पिछली बार भी सफाई हुआ था कहीं पे जलकुंभियों का भराव है उसको एक दो दिन में उसका निस्तारण हम लोग करा देंगे।